प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ की पत्रकारों के हित को लेकर प्रदेशव्यापी पत्रकार हित चिंतक बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में राजन कृषि फार्म पर आहूत की गई बैठक में प्रेस मीडिया पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र पवैया एवं संघ के मुख्य संरक्षक मुकेश कुमार भदौरिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं बैठक में प्रदेश व संभाग के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्षों ने भी अपनी उपस्थिति प्रदान कर मध्य प्रदेश में पत्रकारों के हित को लेकर अपने अपने विचार रखे। वहीं प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकारों के साथ हो रही ज्यादती और जुल्म पर अंकुश लगाए जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों पर हो रही एफआईआर के साथ ही पत्रकारों को डराने धमकाने और पत्रकारों की हत्या कर देने के मामले जैसे विषयों पर रूपरेखा बनाकर पत्रकारों को सुरक्षा के साथ ही पत्रकारों के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की जाने को लेकर प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ की हिस्से तक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही आगामी प्रेस मीडिया पत्रकार संघ की प्रदेशव्यापी पत्रकार बैठक के आयोजन के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों के प्रशिक्षण को लेकर भी चर्चा की गई, जहां बैठक के अंत में कन्या पूजन व कन्या भोज उपरांत सहभोज के साथ प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ की प्रदेशव्यापी पत्रकार हित चिंतक बैठक का समापन किया गया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। पत्रकारों को अगर जो थाना प्रभारी बिना जांच के कार्रवाई करता है तो उस पर भी एफआईआर हो। सही है, षड्यंत्र पत्रकार के प्रति हम ना तो मध्य प्रदेश सरकार से कोई विज्ञापन की मांग करते हैं, हमारा संगठन कोई आर्थिक मांग नहीं करता। हमारी जो मांग है ग्वालियर के अंदर जो प्रेस क्लब है, हम स्मार्ट सिटी प्रेस क्लब बनाएंगे जल्द और चैलेंज से बनाएंगे, क्योंकि वो एक हाथों में है और वो एक ही संगठन उसको चलाता है। और जब पत्रकार की बात आती है कि हमें जोड़ लो तो उनको डर ये लगता है कि तक दूसरे संगठन का व्यक्ति आने के बाद वहां चुनाव करवा देगा तो हमारी अध्यक्ष ही चली जाएगी। मैं खुल के चैलेंज करता हूँ, कुछ समय की और बात है, कुछ चीजें हैं उनको आने के बाद सबके सामने रहेगा कि प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ क्या है। तीसरी बात, बुरी लगती है, लगने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग किसी की गुलामी नहीं करते, किसी की चमचागिरी नहीं करते। अगर छापना है तो फ्रंट पे हेडिंग बनाते हैं और उस तक पहुंचा देते हैं कि भाई ये है स्थिति, आगे याद रखना। दूसरी बात, ट्रेनिंग की बात हुई, मैं गुरुजी को बताना चाहता हूँ, आप सबको भी बताना चाहता हूँ, हमने जो ऑफिस लिया है वो ट्रेनिंग पर्पज से लिया है, एक और उसमें ट्रेनिंग के लिए हमने बनाया है। ट्रेनिंग हम अभी चालू करने वाले हैं, उसका क्या थोड़ा सा कुछ चीजें हमारी ड्यू है, उनको पूर्ति करने के बाद अगले महीने से हमारी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाएगा, उसमें कुछ फीस रहेगी, बाकी निःशुल्क रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसरों को बुलाना है, पेपर के संस्थानों से बुलाना है, तो कोई व्यक्ति आज के समय में फ्री में आपके यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। आपको कुछ ना कुछ उसका मान सम्मान रखना पड़ेगा, तब आपके यहाँ आपके ट्रेनिंग देगा। रही बात पत्रकार भवन की, तो मैंने जमीन देख ली है, पूरे संगठन के माध्यम से उसका आवेदन राजस्व मंत्री को हम लोगों ने दे दिया है और जैसे वो अलाउड होती है तो उसके लिए हम आगे प्रोसेस करेंगे।